ऐसे हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आपको बताऊंगा कि यूरोप में जो है वो पोल्यूशन क्यों कम होती है, उसकी वजह क्या है। एक रीज़न तो उसका ये है कि यहाँ पर एनुअल बेसिस पे आपकी कार चेक होती है और आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर वो जो गैराज होते हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। आपको वो हर साल वहाँ जाना पड़ता है और गाड़ी सारी चेक होती है आपकी कि गाड़ी पोल्यूशन तो नहीं करती ज़्यादा। तो वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा गाड़ी की वजह से। तो अगर वो आप सर्टिफिकेट नहीं लेते तो आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते, और फिर आपको जो है अगर उसके बगैर सर्टिफिकेट के चला रहे हैं तो जुर्माना वगैरह होता है और आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। तो आ जाए मैं आपको आज दिखाता हूँ कि वो प्रोसेस कैसे होता है। तो जनाब ये देखें, मैं जो है वो आया हुआ हूँ यहाँ पर। ये बेल्जियम में इसको कहते हैं क्योरिंग सेंटर, और अगर यूके वगैरह में है तो उसको कहते हैं एमओटी सेंटर। तो इसका बेसिकली ये एब्रीवेशन होती है। सो ये इस तरह जो है ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वो गैरेज है। तो आप जो है वो अपॉइंटमेंट के साथ भी आ सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट लाइन है। और अपॉइंटमेंट के बगैर आ रहे हैं तो फिर इस तरह जो है वो उसके लिए दो सेपरेट लाइनें बनाई हुई हैं, उसमें आप खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो उस तरफ जो है वो ट्रक्स वगैरह के लिए बनाई हुई है बेसिकली, कि वो लाइन ट्रक्स वगैरह की है। और वो जो एक आपको औरत सी नज़र आ रही होगी येलो जैकेट में, वो चेक कर रही है सारों के पेपर, ताकि वो लोग जो बगैर जिनके पास पेपर पूरे नहीं हैं वो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने जो है वो घर में वापस जा सके, क्योंकि उनकी जो है वो फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, उनको चेक नहीं किया जा सकता जब तक पेपर कंप्लीट ना हो गाड़ी के। काफ़ी देर होगी हमें यहाँ पर जो है इंतज़ार करते हुए। ये देखें जी, आगे जो है ना असल में एक लाइन जा रही है, क्योंकि दो लाइनें मर्ज हो रही हैं। वन बाय वन जो है वो होता है राइट, इस तरह होता है। यहाँ पहले नंबर पे अब ये सामने जो है वो गैरेज बने हुए हैं, जब कोई खाली होगा तो फिर जो है वो हम अंदर जा सकते हैं। तो अभी देखें, हो सकता है 5-10 मिनट में या ज़्यादा टाइम लग जाए हमारी बारी आने में। मेरी बारी आ गई थी, ये गाड़ी अंदर खड़ी है, अब गाड़ी चेक हो रही है। वहाँ पर उसकी लाइटें वगैरह जो है वो चेक होंगी। ये देखें इस तरह, फिर वो सारी गाड़ी कुछ ऊपर से नीचे से हर जगह से चेक करते हैं चढ़ा के। तो जो मुझसे पहले वाली गाड़ियाँ हैं वो आखिरी राउंड तक पहुँची हुई हैं, फाइनल चेक हो रहा है उनका। अच्छा, तो जब मैं एमओटी करवाने आया था, जब मैंने ये वीडियो बनाई है, ये असल में सेकंड वीडियो है। मेरी एमओटी जो है वो फेल हो गई थी, उसमें जो है वो कुछ दो छोटे ऑब्जेक्शन लगे थे, एक बड़ा ऑब्जेक्शन लगा था। तो बड़े ऑब्जेक्शन में ये था कि हैंड ब्रेक जो है वो इसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो काफ़ी खर्चा हो गया। अब जो है वो काम करवाया है, अब दोबारा आया हूँ, देखें ये चेक करते हैं फिर क्या कहते हैं। उम्मीद है कि पास हो जाएगी, लेकिन चेक होने के बाद दोबारा पता चलेगा जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता।